हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मिस्टर दया साहू। और आज हम लोग स्टडी करेंगे गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। तो वैज्ञानिक गॉस ने आवेश और वैद्युत फ्लक्स के मध्य एक रिलेशन प्रदर्शित किया, एक रिलेशन दिया, जिसको गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार देखिए क्या है इस प्रमेय का नियम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 ε0 भी पढ़ते हैं का गुणा होता है। अर्थात साई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन को शो कर रहा है, इंटू वेक्टर ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, जहां एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है। चलिए एक छोटा सा नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, और क्यू जीरो हो गया तो साइन ई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए क्लियर है सबको। अब इसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्वेश्चन पहला है, देखिए एक कूलाम आवेश में विकृत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की हमें क्या करना है, गणना करना है। देखिए दिया है क्यू इज इक्वल टू एक कूलाम। अब गॉस का सूत्र हम लोग जानते हैं, साई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। तो इसमें अपनी सुविधा के लिए 4π का मल्टीप्लिकेशन ऊपर में और नीचे में कर देते हैं, ताकि कटेगा तो 1 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें गणना करने के लिए सुविधा हो जाएगी। 1/4π एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9×10⁻⁹, और 4×4 पाई का मान 3.14, और क्यों का मान 1 कूलाम दिया गया है। चलिए सब का गणना करते हैं, 4×4 16 हासिल 1, 4×4 1 5, और या तो फिर 9×36 कर देते हैं, उसके बाद इसका गुणा करेंगे 10⁻⁹। तो फाइनली इसका गुणा करने पर 113.04×10⁹। अब इसको और जैसे दशमलव को 2 स्थान आगे लाएंगे तो इधर घात में बढ़ोतरी हो जाएगी। साइन फाई ई इज इक्वल टू 1.13×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम होगा। ये है इसका आंसर, ये फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। एक विद्युत क्षेत्र 3i कैप + 2j कैप + 4k कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक्स वाई तल में स्थित 5 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करना है इसमें भी। चलिए दिया गया है E इज इक्वल टू 3i कैप + 2j कैप + 4k कैप, विद्युत क्षेत्र दिया गया है। अब ds एक्स वाई तल में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ds एक्स वाई तल में या जेड अक्ष के अनुदिश 5k कैप मिलेगा, दिया गया है। इसलिए सूत्र हमें ज्ञात है, साई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3i कैप + 2j कैप + 4k कैप, और इंटू में डॉट प्रोडक्ट होगा इसका, वेक्टर प्रोडक्ट 5k कैप। अब देखिए केवल के वाले के साथ, और बाकी में सब जीरो हो जाएगा, तो 5×20 इसका 20 मात्रक होगा इसका आंसर। बहुत ही सरल है सवाल, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, जो कि फॉरेन के एग्जाम में आया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बिंदु आवेश के कारण गोलीय गॉसिय पृष्ठ से −3×10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, तो हमें
बिंदु आवेश की गणना करना है, और गॉसी पृष्ठ की त्रिज्या अगर दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितने वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा इसको भी हमें बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि जो दिया गया है उसको पहले हमें डिनोट करना होता है, शो करना होता है। चलिए दिया गया है वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू -3 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, और हमें ज्ञात है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.8554 × 10^-12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए पहला सॉल्यूशन करते हैं। पहला है गॉस के थ्योरम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो यहां से हम आवेश का मान निकालेंगे, आवेश इधर त्रिज्या गुणा कर देंगे तो फाई और एप्सिलॉन नॉट, फाई का मान ये हो गया और एप्सिलॉन नॉट का मान ये। अब चलिए दोनों का जो घात समान है, आधार समान है, उसका घात जोड़ देंगे तो 10^-8 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 के साथ तो 26.562 × 10^-8 मिलेगा। दशमलव को अगर एक स्थान पीछे हटाते हैं तो 1 दस मिलेगा हमें, 10^1, तो 10^1 और 10^-8 मिलकर 10^-7 हो जाएगा। ये हुआ एक आंसर। अब दूसरा क्या बोला गया है, यदि त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, यदि त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितने वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो ये बता देना ज्यादा बेहतर रहेगा कि वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, किसी भी पृष्ठ के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। तो दुगुनी, 3 गुनी या 4 गुनी कुछ भी कर दो, इसमें केवल जितना दिया रहेगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स ही गुजरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 मोस्ट आईएमपी है। 2.5 मीटर व्यास का एक चालक गोला एक समान आवेशित है, उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 100 µC प्रति मीटर स्क्वायर है, तो गोले से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया गया है व्यास दिया है तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है ना, तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। 2.5 मीटर दिया गया है व्यास, तो इसको आधा करेंगे तो 1.25 मीटर हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। अब पृष्ठ घनत्व तो भी दिया गया है 100 µC प्रति मीटर स्क्वेयर, तो माइक्रो का मान होता है 10^-6, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बच जाएगा। अब आवेश निकाल लेते हैं यहीं से। आवेश चूंकि ये सूत्र है इसको माइंड में रखना पड़ेगा, आवेश बराबर σ × 4πr² 4πr² गोले का क्षेत्रफल। चलिए तो सिग्मा का मान हमारे पास है 100 × 10^6 × 4, पाई का मान 3.14 और आर का मान है 1.25 का स्क्वायर हो जाएगा। 10^-4 हो जाएगा, देखो 100 है और 10^-6 है तो 10^-4, और इसका गुणा करेंगे 4 के साथ तो 12.56, और 1.25 का जो वर्ग होता है 1.5625 होता है। फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 1.96 × 10^-3 कूलाम्ब प्राप्त हो जाएगा। ये तो रही आवेश की बात, लेकिन हमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, हमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, जिसके लिए हम लोग गॉस के थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। साई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान है 1.96 × 10^-3, और जबकि एप्सिलॉन नॉट का मान हमेशा होता है 8.854 × 10^-12। इसको ऊपर ले जाएंगे 10^-12 को तो ये धन में हो जाएगा, और धन में हो जाएगा तो फिर हमें 10^9 मिल जाएगा, और 1.96 × 8.854 ये मिल जाएगा। और आगे देखते हैं, फिर अपनी सुविधा के लिए दशमलव को 3 स्थान पीछे कर देते हैं और 10^9 रहता है उसमें से 1 दस को इधर ले आते हैं ताकि भाग दिया जा सके। तो ये लगभग 2.2 × 10^8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। अब चलिए सबके लिए एक छोटा सा मोटिवेट है समझो, प्रश्नों को एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए
और सूत्र को याद रखना चाहिए बेहतर ढंग से। और बुलंदी को छूना है तो सबको मेहनत करना पड़ेगा, हमें भी, आपको भी और सबको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।